आज कुछ किचन अप्लायंसेस के बारे में शेयर करना चाहूँगी जो कि किचन के लिए बहुत ही एसेंशियल है। तो इससे पहले कि हम वीडियो देखें तो प्लीज़ आप मैं आपके साथ आपको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें और शेयर करें ताकि जो ये वीडियो नहीं देख रहे हैं उन तक भी ये मैसेज है वो पहुंच सके। और दूसरी बात ये है कि आप प्लीज़ ये वीडियो शुरू से अंत तक देखें, हो सकता है इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको मिल जाए अपने किचन के लिए। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब मुझे नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और जो मुझे पहली बार देख रहे हैं वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। और आप बेल बटन जो नीचे है वो बिल्कुल दबाना ना भूलें, इससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए देखते हैं मैंने अपने किचन में अपने लिए कौन कौन से एसेंशियल अप्लायंसेस कलेक्ट किए हैं, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों ये है मेरा माइक्रोवेव जो कि मैं कई सालों से यूज कर रही हूँ, ये बहुत ही काम का प्रोडक्ट है। और ये मेरा जो माइक्रोवेव है वो सैमसंग का है और सैमसंग की सर्विसेज बहुत ही अच्छी है। तो आप चाहे किसी भी ब्रांड का कोई भी माइक्रोवेव खरीद सकते हैं अपने किचन के लिए। आजकल हर हाउसवाइफ या वर्किंग वुमेन वो अपने किचन में एक माइक्रोवेव ज़रूर रखती हैं। और ये माइक्रोवेव में सुविधा ये है कि इसमें हम झटपट खाना गर्म कर सकते हैं, तंदूरी खाना बना सकते हैं और टोस्ट कर सकते हैं। साथ में बहुत सारी रेसिपी हम इस पर बना सकते हैं वो भी बिल्कुल कम तेल पे। तो ये मेरे ख्याल से ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही एसेंशियल प्रोडक्ट है आज के मॉडर्न किचन के लिए। और मेरा जो माइक्रोवेव है वो कन्वेक्शन मोड का है, तो इसमें मैं केक वगैरह भी आसानी से बना लेती हूँ। ये मेरा फूड प्रोसेसर बजाज कंपनी का है और ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है। मैं इसे 10-12 साल से यूज कर रही हूँ पर मुझे कोई परेशानी नहीं आई। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये मिक्सर ग्राइंडर का भी काम करता है, इसमें आटा भी आप गूंथ सकते हैं, बहुत सॉफ्ट और अच्छा आटा गूंथता है और बहुत जल्दी। और इसके बाद ये फ्रूट जूसर का भी काम करता है, आप इसमें फ्रूट जूस भी निकाल सकती हैं, साथ में यहाँ पर आप सब्जियाँ भी काट सकती हैं। इसके लिए तरह तरह के प्लेट्स कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं जिससे आप डिफरेंट शेप एंड साइज की सब्जियाँ काट लें। और ये मेरा बहुत ही फेवरेट गैजेट है मेरे किचन में जो कि जिसमें मैं अपने सारे काम बहुत झटपट और इजिली निपटा पाती हूँ। और ये मेरे ख्याल से ये एक एसेंशियल प्रोडक्ट है किसी भी किचन के लिए। इसके बाद जिसमें अप्लायंसेस की बात करने जा रही हूँ वो है फ्रिज। फ्रिज जो है वो हर घर में होता है और ये बहुत ही जरूरी अप्लायंसेस है। मेरा फ्रिज वर्लपूल का है और ये काफी अच्छी सर्विस दे रहा है। और जो फ्रिज है वो आजकल तो कॉमन सी बात है, हर घर में होती है। और इसमें फायदा ये है कि हम अपने लेफ्ट ओवर खाने को इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, प्लस अपने मसाले चिकन मटन एग्स ये काफी दिनों तक इसमें हम स्टोर करके रख सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अब जिस प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ वो है OTG यानी कि ओवन टोस्टर ग्रिलर। ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है, इसमें आप रोस्ट कर सकते हैं, टोस्ट बना सकते हैं, खाना भी गर्म कर सकते हैं। इसमें जो रोस्टेड जैसे तंदूरी मुर्ग वगैरह बहुत अच्छा बनता है और केक तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये मैं 10-12 साल से यूज कर रही हूँ और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से आप ये प्रोडक्ट अपने किचन में रख सकती हैं। छोटे अप्लायंसेस के बारे में तो ये है हैंड ब्लेंडर।
ये सिंगर का हैंड ब्लेंडर है। इससे आप दाल वगैरह कूट सकती हैं या आमरस बना सकती हैं। कुछ भी ब्लेंड करने के लिए ये काफी यूजफुल रहता है। तो आप जरूर ये एक हैंड ब्लेंडर अपने किचन के लिए रखें। इसके बाद जो अप्लायंसेस मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है ये टोस्टर। ये जो टोस्टर है ये भी बहुत यूजफुल चीज है। इसमें हम ब्रेड टोस्ट कर सकते हैं और नाश्ते में सर्व कर सकते हैं। ये कारियो कंपनी का है और इसमें डिफरेंट टेम्परेचर है। आपको जितना भी कुरकुरा चाहिए उतना कुरकुरा आप बना सकती हैं टेम्परेचर मेंटेन करके। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही यूजफुल है और मेरे ख्याल से ये भी आप अपने किचन में रख सकते हैं। इसके बाद जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगी वो है, जिसकी बात करूंगी मैं, वो है ये सैंडविच मेकर। ये कैंस्टर का सर्विस सैंडविच मेकर है और इसमें हम ब्रेकफास्ट के लिए तरह तरह के सैंडविचेस बना सकते हैं। चीज सैंडविच, चिकन सैंडविच, वेज सैंडविच, जो भी हम चाहें। तो इससे भी हमारा काम बहुत हल्का हो जाता है और इजी हो जाता है। तो हम फटाफट इसमें सैंडविच बनाकर नाश्ते में सर्व कर सकते हैं। इसके बाद बारी है इस छोटे से अप्लायंसेस की। ये मैनुअल है। एक्चुअली जब मेरे पास फूड प्रोसेसर नहीं था तो मैं इससे फ्रूट जूस वगैरह निकाला करती थी। तो इसमें बेदाने का रस बहुत अच्छे से निकलता है और मौसम्बी वगैरह भी निकलता है। तो अगर जिनके पास मिक्सर ग्राइंडर है, फूड प्रोसेसर नहीं है और जूसर नहीं है तो इस तरह से एक मैनुअल जूसर आप खरीद सकती हैं अपने किचन के लिए। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, रिजनेबल प्राइस में मार्केट में मिल जाता है। इलेक्ट्रिकल गैजेट है जो कि हमारे किचन में होना चाहिए वो है ये रोटी मेकर। मेरा जो रोटी मेकर है वो जापान का है। अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, ख़राब नहीं है। तो इसमें रोटियां बहुत जल्दी से बन जाती हैं और सॉफ्ट बनती हैं और पतली पतली भी बनती हैं। अगर आप, हाँ, इसमें दो चार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें आप उत्तपम बना सकते हैं, आप इस पर ऑमलेट बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें तो कर सकते हैं आप इनोवेटिव अगर है तो। और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप किचन में रोटी नहीं बनाकर आप ड्राइंग रूम में टीवी देखते देखते या डाइनिंग टेबल पर बैठकर भी गर्मा गर्म रोटियां बनाकर सर्व कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो गैजेट है वो भी अच्छा गैजेट है किचन के लिए। जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल गैजेट है उसमें से एक है ये आपका इलेक्ट्रिकल केटली। इसमें हम चाय वगैरह बना सकते हैं, गर्म पानी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है। ये मेरा कैंस्टर का है और आप अपने किचन में एक केटली रख सकती हैं इस तरह का। अच्छा है, अच्छी प्रोडक्ट है ये, आप रख सकती हैं। अप्लायंसेस दिखाने जा रही हूँ। ये बैटरी से चलता है और ये है आपका नाइफ या सीजर शार्पनर। ये बहुत ही छोटा सा है बट बहुत ही यूजफुल है। इसमें आप अपने नाइफ को शार्प कर सकती हैं, सीजर को शार्प कर सकती हैं। आजकल तो वो नाइफ शार्पनर्स वाले बाजार में दिखते भी नहीं हैं। तो ये इस तरह का एक गैजेट होना किचन के लिए ज़रूरी है, इससे काफ़ी सुविधा मिलता है। दोस्तों ये हैं इलेक्ट्रिकल छोटे छोटे अप्लायंसेस जिसके बारे में मैंने बताया और ये हम अपने किचन में रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा दाम नहीं है, बहुत ज़्यादा प्राइसेस नहीं है इन सब की, मिनिमल प्राइसेस है जो हम पे कर सकते हैं और इससे किंतु हमारे समय की बहुत बचत हो जाएगी और बहुत काम में सहूलियत हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और
जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर दी और बेल बटन दबाना ना भूले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।